हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी कोर। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एसएससी सीएचएसएल यूएफएम रिपोर्ट जो सबमिट हुई है उससे रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो मैं आपको बता दूं क्या सीजीएल और एमटीएस से यूएफएम हटेगा, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए करते हैं शुरू। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूट हुई थी एग्जामिन करने के लिए ग्रीवेंसीज जो कैंडिडेट की थी सीएचएसएल वालों की 2018 में जिन्होंने एग्जाम दिया था यूएफएम के रिगार्डिंग, तो मैं सबसे पहले बता दूँ कि 4600 के लगभग बच्चे थे जिन्होंने UFM के रिगार्डिंग ग्रीवेंस डाली थी। तो कमीशन ने जो रिजल्ट डिक्लेयर किया था वो आप देखेंगे 25 फरवरी को किया था और इसमें 36,000 लोग अपियर हुए थे कैंडिडेट्स। अब मैं आपको बताऊं कि इसमें से 30,000 लोगों ने क्वालिफाई किया था और जो शॉर्टलिस्ट हुए थे टीयर थ्री के लिए, जिसमें 6,000 वैकेंसी है करीब करीब। अब आप देखेंगे कि 4500 कैंडिडेट को डिसक्वालीफाई किया था अनफेयर मीन्स के ग्राउंड पर। अब ये जो इन्होंने अनफेयर मीन्स UFM किया था उसमें कैंडिडेट्स ने रिप्रेजेंटेशन सबमिट करी थी जो रिजेक्टेड हुए थे, तो कमीशन ने उनकी रिक्वेस्ट को माना था और उसके बाद एक कंस्टिट्यूट की थी कमेटी एक्सपर्ट्स की जिससे एग्जामिन करना था उन्होंने मैटर और उसके बाद रिकमेंडेशन देना था कमीशन को। तो आइए देखते हैं कमेटी ने क्या बोला है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी कमीशन को 16 जुलाई को, जैसा हमने अपनी RTA में बताया था कि 21 जुलाई कभी भी हो जाएगी। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर कमेटी ने रिकमेंड किया है कि विद रिगार्ड टू कैंडिडेट ऑफ CHSL टीयर टू 2018 जिन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया है रिवीलिंग आइडेंटिटी के बेस पर और एड्रेस के बेस पर, उनको कैटेगरी में रखा गया था UFM, ठीक है, तो उसको अब इग्नोर किया जा सकता है एज अ वन टाइम मेजर। तो गाइज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि SSC CGL और MTS के बारे में अभी इन्होंने कुछ नहीं बोला है, तो उसका भी मैं बताऊँगा कि क्यों नहीं बोला है, ठीक है। अकॉर्डिंग द कमीशन हैज़ डिसाइडेड टू गिव वन टाइम एग्जेम्पशन टू ऑल 4560 कैंडिडेट्स ऑफ CHSL 2018 टीयर टू। तो मैं आपको बता दूं UFM उनके लिए हटा दिया गया है, ठीक है। अब जो भी होगा एड्रेस नाम जो भी सब कुछ लिखा था उन्होंने उसको कोई माना नहीं जाएगा और वो अब दोबारा से उनका रिजल्ट प्रोसेस होगा और अब देखते हैं उसके रिगार्डिंग क्या स्टेप्स लेते हैं SSC वाले कब तक प्रोसेस करेंगे। गाइस अगर CGL और MTS की बात करें तो उनके UFM के लिए मैं आपको बता दूं, पहली चीज़ हम एक किसी ने RTA लगाई थी उसने बोला है कि सेम अप्लाई होगा जो CHSL पर अप्लाई होगा, वो आटे ही हम उससे लेने की कोशिश कर रहे हैं जिसने हमें इन्फॉर्मेशन दी है, जैसी मिलेगी शेयर करेंगे। अगर आपको लगता है कि ऐसे काम की आटे हो सकती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल सके। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ये वन टाइम एग्जेम्पशन है, अगर इससे आगे एग्जाम में अगर आप सेम गलतियां करते हो तो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। तो हाँ, जो हम डिस्कस करने वाले थे CGL और MTS के रिगार्डिंग UFM के, तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि पहली बात तो CGL और MTS पर अभी तक UFM नहीं हुआ है, तो कमेटी कैसे बोल सकती है कि किस यहाँ पर उन्हें एग्जेम्पशन दे सकती है। ये UFM में एग्जेम्पशन सिर्फ उन्हीं को मिला है जिनका हुआ था, अभी तक CGL का डिस्क्लोज नहीं हुआ है कि UFM हुआ है या नहीं हुआ है, पर हाँ वन टाइम एग्जेम्पशन उस पर भी लगा सकते हैं अगर उन्होंने रिजल्ट प्रिपेयर कर लिया होगा और UFM कर दिया होगा तो, पर वो ऐसा अब नहीं करेंगे कि उन्हें कंसीडर ना करें CGL वालों पर। तो मैं आपको बता दूं जब तक डिस्क्लोज नहीं करते वो कि UFM का, तब तक वो कैसे आप मान सकते हैं कि UFM उस पर लगा था। तो सिंपल सा फंडा ये है कि उस पर UFM लगा ही नहीं अभी तक, लगता तो ये पता चलता ना, जैसे CGL का रिजल्ट आया तब लगा तो हमें पता चला, तो अभी तक ऐसा कोई डिस्क्लोजर नहीं है, तो अपने आप से इमेजिनरी UFM जो मान रखा था कैंडिडेट्स ने वो प्लीज़ अब ना माने क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होगा। गाइस RTA आप देख सकते हैं इसमें बोला है एक्सपर्ट्स की जो कमेटी बनी थी UFM को एग्जामिन करने के लिए और जो उन्होंने रिकमेंडेशन देंगी, तो कमेटी ने बोला है कि जो भी होगी कमीशन वो उसके बाद डिसीजन लेगा CGL 18 पर कमेटी की रिपोर्ट के बेस पर ही। तो आप देख सकते हैं कि कमेटी ने बोला एग्जेम्पशन देने के लिए, तो CGL में भी एग्जेम्पशन दी जाएगी। बाकी दूसरी RTA हम जल्दी शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और ये जो मैंने शेयर किया ये भी आपके साथ पहले शेयर कर चुका हूँ। जिस भी कैंडिडेट ने ट्वीट किया था और न्यूज़पेपर में पब्लिश कराया था उनको दिल से शुक्रिया, और जिसको भी इस रिजल्ट से फ़ायदा होगा वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। गाइज इस वीडियो को शेयर करें क्योंकि हमने काफ़ी इन्फॉर्मेशन इससे रिगार्डिंग आपको पहले भी दी थी, ये सब चीज़ें हमने आपको समझाई थी किस किस बेस पर UFM हुआ है, कब तक आएगी कमेटी की रिपोर्ट, कब तक रिजल्ट आएगा, तो अभी भी कभी भी अब रिजल्ट आ सकता है ये भी बता दें। तो हो सकता है रिजल्ट पूरा फाइनल स्टेज में हो, हमने पिछली RTA में बताया था, जिसने वो वीडियो नहीं देखी देख सकता है, इससे जस्ट एक वीडियो पीछे है, वरना मैं आई बटन में लिंक डाल दूंगा। तो गाइज आप देख सकते हैं सुमन वर्मा अब से ज़्यादा खुशी किसी को नहीं होगी इस टाइम पर, क्योंकि उसको 0 मार्क्स अवार्ड हुए थे 76 की जगह। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आप ऐसी RTA और जाते हैं, टीयर 3 का प्रोसेस कहाँ तक हो गया है, कब रिजल्ट आएगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक इट।